स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो नोन एज SGS, इसको देख लेते हैं ये है क्या, इसके काजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और फर्दर इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा SGS में क्या होता है। हम देख सकते हैं ये स्किन पे डिफरेंट रैशेज हमें नज़र आ रही हैं, आई की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, माउथ की मतलब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो रहा है इसमें माउथ का। अब इंट्रोडक्शन, SGS स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम इज़ अ रेयर सीरियस डिसऑर्डर ऑफ योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि ऊपर हमने प्रेजेंटेशन में देखा था स्किन पे भी हमें सिम्टम्स मिल रहे थे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी। इट इज़ यूजुअली अ रिएक्शन टू अ मेडिकेशन आर एन इन्फेक्शन। अब इसकी रीज़न क्या होती है, ये स्किन और म्यूकस डिसऑर्डर क्यों डेवलप होती है, किसी भी ड्रग की वजह से मतलब मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हो सकती है या कोई इन्फेक्शन के रिएक्शन में भी ये सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। शुरू में इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं लेकिन उसके बाद पेनफुल रेड या फिर पर्पलिश जो रैश होता है वो बनता है और रैश से फिर ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और शुरू में क्या होता है कि जो स्किन की टॉप लेयर होती है वो इफेक्ट होती है और ब्लिस्टर बनने की वजह से वो स्किन की टॉप लेयर जो है वो डेड हो जाएगी, शेड कर जाएगी और दोबारा वो हील करेगी। तो ये प्रोसेस जो है ये एक विशेष साइकिल की तरह स्टार्ट होता है। SGS इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट यूजुअली रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द अंडरलाइन कॉज। कॉज क्या थी, वही कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, और अगर कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है तो उस मेडिसिन को हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड जो ट्रीटमेंट का गोल होता है हमारा, जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं जो कि म्यूकस और स्किन रिलेटेड थे, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन रिलेटेड, उन सिम्टम्स को कंट्रोल करना और तो इसकी वजह से जो स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उनको मिनिमम करना। रिकवरी आफ्टर दी SGS कैन टेक वीक्स टू द मंथ्स डिपेंडिंग ऑन दी सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। अगर हम इसका प्रोग्नोसिस देखें, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है, रिकवरी ड्यूरेशन, वो वीक्स टू मंथ्स में हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी थी। इट वॉज कास्ट बाय मेडिकेशन, नीड टू परमानेंटली अवॉइड दैट ड्रग एंड अदर्स क्लोजली रिलेटेड टू इट। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर इसकी क्या है, सिस्टेमिक स्किन डिजीज है SGS और प्रोबेबली आइडेंटिकल टू द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस दैट प्रोड्यूसेस फीवर एंड लीजन्स ऑफ द ओरल कंजक्टाइवल एंड वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इट इज मार्क्ड बाय द क्यूटेनियस रैश दैट इज ऑफन वाइड स्प्रेड एंड सिवियर, स्किन लॉस में लीड टू डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन आर डेथ। ये एक सिस्टेमिक स्किन डिजीज है और आइडेंटिकल है प्रोबेबली टू दी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस की तरह। इसमें फीवर होता है, लीजन्स बनते हैं, लीजन्स जो है वो ओरल कंजक्टाइवल और विजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पे बन रहे होते हैं, और इसके अलावा जो स्किन पे हमें सिम्टम मिलती है वो है क्यूटेनियस रैश और जो कि स्प्रेड करते हैं और सिवियर होते हैं, और जब रैश बनेंगे, ब्लिस्टर्स बने तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। काजेज वही है जैसे कि हमने पहले देखा था कि मेडिसिंस, अब मेडिसिंस में देख सकते हैं कौन कौन सी मेडिसिंस इस कंडीशन को डेवलप कर सकती है। एंटी गाउट मेडिकेशन है जैसे कि एलोपेरिनियोल, या फिर मेडिकेशंस जो कि फाइट इन्फेक्शन के लिए होती है, पेंसिलिन जी भी का हो सकती है SGS की, पेन रिलीवर्स मेडिसिन जिसमें एसिटामिनोफिन है, आइबोप्रोफिन है और नेप्रोक्सिन सोडियम है। इसके अलावा जो मेडिकेशन सीजर्स के लिए होती है, एंटी सीजर्स या फिर मेंटल इलनेस के लिए, वो भी जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्फेक्शन सेकंड इसकी रीज़न थी। अब देख लेते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन SGS की काज बन सकते हैं। इसमें हर्पीस वायरस से हर्पीस दोनों हो सकते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस जोस्टर, निमोनिया है, माइकोप्लाज्मा नोमोनी, HIV और हेपेटाइटिस ए। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था रैश होता है इसमें, फीवर ब्लिस्टर्स तो फीवर है, अनएक्सप्लेन वाइड स्प्रेड स्किन, पेन होगा, रेड और पर्पल स्किन रैशेस बनेंगे जो कि स्प्रेड होंगे पूरी स्किन पे ही, ब्लिस्टर्स होंगे स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, माउथ नोज आइज जेनिटल्स की, और स्किन जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी और फिर खुद ही वो रीहील हो जाएगी। इफ़ पेशेंट हैज़ SGS सेवरल डेज बिफोर द रैश डेवलप ही मे एक्सपीरियंस, रैश तो बाद में डेवलप होगा, जो इसके स्टार्ट में सिम्टम्स होती है इनिशियली, उसमें फीवर है, सोर थ्रॉट है, फिटीग है, कफ है और बर्निंग आइज है, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी देखा था कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स पहले डेवलप होंगे फिर जाकर रैश डेवलप होगा और रैश ब्लिस्टर में कन्वर्ट होगा। इसको हम डायग्नोस्ट कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सबसे पहले तो इसका वही फिजिकल एग्जाम आ जाएगा, इसकी डिटेल हिस्ट्री आ जाएगी। डॉक्टर्स ऑफन कैन आइडेंटिफाई SGS बेस्ड ऑन द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। इसके अलावा स्किन बायोप्सी हम करवाते हैं अपने डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए और इसकी काज को रूल आउट करने के लिए, ताकि हम इसकी काज को कंट्रोल कर सके। थर्ड जो है डायग्नोस्टिक, इसमें हमारे पास ऑप्शन वो है कल्चर्स, कल्चर भी करा सकते हैं स्किन का, ओरल कल्चर, कल्चर फ्रॉम अदर एरियाज में भी टेकन टू कंफर्म और रूल आउट इन्फेक्शन, या फिर इमेजिंग, इमेजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स डॉक्टर मे हैव यू अंडरगो अ चेस्ट एक्सरे टू चेक फॉर नमोनिया, जैसे कि हमने देखा था नमोनिया का इन्फेक्शन भी, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए एक्सरे, ब्लड टेस्ट भी इसमें हो सकते हैं टू कंफर्म दी अदर काजेज, जैसे कि इन्फेक्शन के कोई और काज अगर पॉसिबल है तो। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट SGS जो है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जैसे कि हमने पहले देखा था, ये इमरजेंसी कंसीडर की जाती है और ICU या फिर बर्न यूनिट में इसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो जो भी मेडिसिन जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है उनको स्टॉप कराना है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज इन ट्रीटिंग द SGS इज टू डिसकंटिन्यू एनी मेडिकेशन दैट मे कॉजिंग इट। सेकंड, हम सपोर्टिव केयर देंगे, सपोर्टिव केयर में हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन में ही वही जो होती है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि स्किन रैश, स्किन ब्लिस्टर की वजह से इसमें क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो रही थी, तो इसलिए जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है इसको हम रिप्लेस करेंगे। बिकॉज स्किन लॉस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, रिप्लेसिंग द फ्लूइड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे जो ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, जो स्किन रैशेज बन चुके हैं, जो वोन्स बन चुके हैं, उनको ट्रीट करना। तो इसमें हम कूल और वेट कंप्रेसेस जो हैं वो देते हैं ताकि जो ब्लिस्टर्स हैं वो इजीली हील हो सके। आई केयर भी इसमें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें कंजक्टिवा जो है आई की म्यूकस मेम्ब्रेन वो भी इन्वॉल्व हो रही होती है। मेडिकेशंस में हम क्योंकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है, उसको स्किन पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए हम पेन मेडिकेशंस देंगे डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की उसको कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देंगे जिसमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स आ जाती हैं। और अगर इन्फेक्शन इसकी काज है तो इन्फेक्शन में हम वही अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल कर सके। डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी अदर सिस्टेमिक मेडिकेशंस कैन बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग ओरल स्टेरॉइड्स, इम्यूनोग्लोबुलिंस एंड अदर इम्यूनो रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। फर्दर हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन को हम सेलुलाइटिस भी कहते हैं। सेलुलाइटिस जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें सेप्सिस भी आ जाता है। और सेकेंड चीज जो इसमें हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस में वो है सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन। मतलब यही जो स्किन इन्फेक्शन है इससे स्प्रेड हो जाएगा ब्लड में। सेप्सिस अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। सेप्सिस इज अ रैपिडली प्रोग्रेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट कैन कॉज शॉक एंड ऑर्गन फेलियर। इसके अलावा जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन हमें मिलती है वो है लंग की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये स्प्रेड कर रहा था। द कंडीशन में लीड टू द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे कि हमने देखा था कि निमोनिया जो था वो भी इसकी काज थी। तो इसकी वजह से वही लंग इन्वॉल्वमेंट, लंग फेलियर भी हो सकता है। परमानेंट स्किन डैमेज मिल सकती है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। तो परमानेंट स्किन डैमेज क्या है, जैसे कि हमने देखा है कि इसमें स्किन रैश ब्लिस्टर्स बन रहे थे, ब्लिस्टर्स फिर हील हो रहे थे, तो ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया था। तो इसकी वजह से हमें एबनॉर्मल बम्स और स्किन कलरिंग मिलेगी और स्कार्स भी मिल सकते हैं। लास्टिंग स्किन प्रॉब्लम्स, लॉन्ग लास्टिंग स्किन प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो सकती है, फिंगर नेल और टोन नेल्स की एबनॉर्मेलिटीज मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। रैश कास्ट बाय द एसजीएस कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन इन द आईज। इन माइल्ड केसेस दिस मे कॉज इरिटेशन एंड ड्राई आईज। इन सीवियर केसेस इट कैन लीड टू द एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज एंड स्कारिंग दैट रिजल्ट्स इन विजुअल इंपेयरमेंट्स एंड रेयरली ब्लाइंडनेस। मतलब ये इतनी डेंजरस हो सकती है।